हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी वीडियो पे। ये हमारा जो उसमें रह गया था, ये कंप्लीट करना रह गया था। कनेक्शन हम सभी लगभग कर चुके हैं। एक इसमें माइक लगाना रह गया है, माइक का सर्किट, और ये फिट करना रह चुका है। अब सबसे पहले ये इसका बेस है, ये इसका ट्रबल है, और ये इसका वॉल्यूम है। लेकिन इनको फिट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका फ्रंट पैनल लगाना पड़ेगा, ये वाला। अभी मैं इसके स्क्रू टाइट कर लेता हूं। ये मैंने बेस और ट्रबल इसमें फिट कर दिए हैं। अब हमारा वॉल्यूम रह गया, लेकिन इसमें यहाँ पे ये बैलेंस का दे रखा। अब हम करेंगे बैलेंस के टोन के कनेक्शन। उसके लिए हम सिंगल टोन ले लेंगे 100K का। आप इसे वॉल्यूम से भी कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम से तारों में वो जाएगा, ज्यादा ही वायर ऊपर को दिखेगी, इसलिए हम इसे सीधा प्लेट से उठाएंगे। इसमें हम जो इसकी बीच वाली पिन है, ये हमें देनी है नेगेटिव में। सबसे पहले हम बीच वाले पिन को यहाँ पे नेगेटिव में दे देते हैं। उसके बाद जो एक पिन है वो हम इसकी दो नंबर इनपुट पे दे देंगे सीधा। ये एक वायर दूसरी साइड की दो नंबर पे। ये हमारे हो गए बैलेंस के टोन के कनेक्शन। अब हम इसमें करेंगे माइक के कनेक्शन। अब हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। और अब हमें इसमें नेगेटिव पॉजिटिव देनी है। पॉजिटिव के लिए इसमें ये दे रखा, यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस नीचे लगी हुई है और यहाँ पे आएगी पॉजिटिव, और नेगेटिव इसमें जो ये यहाँ पे गई हुई है, ये हमारी नेगेटिव है। और अब हम नेगेटिव पॉजिटिव सीधा यहीं से दे देंगे सर। ये इसमें मैंने ये यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, ये यहाँ पे नेगेटिव, ये सेम ही प्रिंट है। ये देखो, ये प्रिंट यहाँ पे आगे जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव है सारा। और अब हम इसमें सीधा यही दे देंगे। वाइट हमने लगाई है पॉजिटिव में, तो वाइट को हम सीधा यहाँ पे पॉजिटिव में दे देंगे। ग्रे को हम सीधा नेगेटिव में दे देंगे। हमारे कनेक्शन हो गए। हम इसमें इसके जो वायर है इसी से ही दे देंगे। यहाँ पे हम वैसे हम प्लेट के नीचे से भी दे सकते हैं, लेकिन इस पे अच्छी रहेगी क्योंकि ब्लूटूथ मॉड्यूल से अलग रह जाएगी। यहाँ पे RC में, क्योंकि आजकल ये यूज नहीं होता है, ब्लूटूथ या ऑक्स यूज में आते हैं, तो इसलिए हम इसे यहीं पे दे देंगे। क्योंकि इसमें स्विच भी है, क्या या तो ब्लूटूथ मॉड्यूल चला सकते हैं या RC। इसमें माइक का अलग से कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। ज्यादातर जो मार्केट में इतने छोटे एम्पलीफायर आते हैं, उनमें कोई माइक के लिए सर्किट नहीं लगा होता,
वैसे डायरेक्ट वायर ही लगा देते हैं माइक के जैक पर, माइक के सॉकेट पर डायरेक्ट वायर लगा देते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है क्योंकि उसमें साउंड बहुत कम आती है फिर माइक में। और ये हमारे माइक के कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसे बस यहाँ फिट कर देंगे। और ये मैंने बटन, वॉल्यूम का बटन यहाँ फिट कर दिया है, ब्लूटूथ मॉड्यूल को मैंने फिट कर दिया है, माइक को भी यहाँ पे लगा दिया है, बस थोड़ा टाइट करना रहेगा। ओके दोस्तों, ये यहाँ पे ये वायर भी मैंने निकाल दिए और हमारा एम्पलीफायर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें आगे सिर्फ नोब लगानी रह गई है, बाकी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।